भीलवाड़ा के पंडेर में नाबालिग बच्चियों को बेचने का मामला देश भर की मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है, जबकि प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम को खारिज करते हुए घटना को पुरानी बताया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नाबालिग बच्चियों को बेचने के मामले को लेकर राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल भीलवाड़ा पहुंची। उन्होंने कलेक्टर, एसपी, एनजीओ के पदाधिकारियों के साथ बैठक ली और घटनाक्रम को पुराना बताया। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला कि ये मामला वर्ष 2019 का है। उस समय पुलिस ने 25 लोगों का चालान न्यायालय में पेश किया था। उस समय 6 बच्चियों में से 4 बच्चियों का पुनर्वास हो चुका है। शेष 2 बच्चियां अभी भी बालिका गृह में है, क्योंकि वो राजस्थान की नहीं बल्कि अन्य राज्यों की है। मैं जल्दी उन दोनों बालिकाओं के पास पहुंचकर पूरी जानकारी लूंगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि ऐसे मामले भविष्य में फिर ना हो, इसके लिए बैठक में कलेक्टर एसपी को निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि भाजपा को ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। कि ये जो घटनाक्रम है वो 2019 का था, जिसमें 6 बच्चियों के साथ, जो बच्चियां राजस्थान से बाहर की भी थी और बहुत छोटी उम्र में उन बच्चियों को अगवा कर राजस्थान लेके आ गए थे। उन बच्चियों को, छह बच्चियों का जब बयान के बाद में उनको बालिका गृह भेजा गया, उनमें से 4 बच्चियों को पुनर्वास कर दिया गया है। 2 बच्चियों के अभिभावकों की अभी तक जानकारी नहीं मिलने पर बच्चियां बालिका गृह हैं। मैं अजमेर बालिका गृह भी जाऊंगी, उन बच्चों से भी बातचीत करूंगी, उन बच्चियों से एकांत में व्यक्तिगत बातचीत करके पूरे मामले की जानकारी लूंगी। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि ये प्रकरण मीडिया में आने के बाद जानकारी ली गई तो पता लगा कि वर्ष 2005 और उसके बाद कुछ अन्य घटनाएं भी हुई। उस घटना के बाद वर्ष 2019 में भी ये मामला आया था। उस मामले को प्रशासन ने ऑपरेशन गुड़िया के तहत नष्ट किया। तो वहीं जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने कहा कि वर्तमान में 2 बालिका अजमेर नारीशाला में है, उन्हीं का इंटरव्यू मीडिया में छपा है, जबकि वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। जब भी पुलिस को सूचना मिलती है तब हम त्वरित कार्रवाई जरूर करते हैं। चूंकि यह मामला काफी पुराना है और इसमें लीगल एक्शन हो चुका है, इसलिए जो फैक्ट ऑफ द केस है वो मीडिया में बताया गया है और हम नियमित रूप से प्रयासरत हैं कि सभी क्षेत्रों में, जिले के सभी क्षेत्रों में अगर कोई भी ऐसी घटना रिपोर्ट होती है या कोई भी ऐसी सूचना आती है तो उस पर पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई की जाती है। और जब भी ऐसी कोई केस आया है, अभी मसलन एक अप्रैल 2022 में ही एक केस आया था जब वैश्यावृत्ति में संलिप्त एक महिला विवाह करना चाहती, तो उस केस में पुलिस और प्रशासन ने सहयोग देते हुए उनका विवाह संपन्न कराया और उनको सेफली अपने मुस्तकिल जो निवास के पॉइंट तक, वहाँ तक पहुँचाया गया। देखिए, बिल्कुल, पुलिस के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हमारे ग्राउंड पे हैं उन सबको निर्देशित तो पहले भी किया जा चुका था, दोबारा भी किया जा चुका है कि जो वुमेन और वीकर सेक्शन से रिलेटेड मामले हैं इसको काफ़ी सेंसिटिविटी से लें, बिल्कुल इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। कोई भी रिपोर्ट छोटी बड़ी जैसे भी जब भी संज्ञान में तत्परता से सख्त कानूनी कार्रवाई उस पर अमल लाई जाए, ताकि एक नज़ीर भी सेट की जाए और जो ऐसे बच्चों को परेशान करता है, इस देव पार्क के पूरी धंधे में लाता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बहरहाल प्रशासन ने मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है और भविष्य में भी ऐसी घटनाओं को लेकर सचेत रहने की बात कही है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए भीलवाड़ा से नवीन जोशी की रिपोर्ट।